बच्चों, आज हम सीखेंगे अ का अभ्यास। अ से बने कुछ वाक्य हैं, उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अ से अ मात्रा से अभ्यास करेंगे आज। अ मात्रा से है ये, है यह है थर्मास। ये क्या है? ये थर्मास। यहाँ है फल, यह है रथ, यह है नल। ये हो गया अ मात्रा से बने अक्षर। अभी जो है अमात्रा से बने वाक्य हम पढ़ेंगे। अमात्रा से बने वाक्य मतलब क्या है? यहाँ देखिए, ठीक ध्यान से देखिए। रमन घर चल, पिछले क्लास में हमने लिया है, फिर भी मैं आपको रिवाइज्ड कर रही हूँ ताकि आपको याद रह सके। सड़क पर सरपट मत चल, सड़क पर सरपट मत चल। झटपट अचकन पहन, अब नल पर चल, अब नल पर चल। नल पर चलकर जल भर, नल पर चलकर जल भर। यहाँ है रमन, रमन एक लड़के का नाम है। और घर यानी क्या है? हाउस। चल मीन्स वॉक। उसके बाद क्या है? सड़क। सड़क यानी क्या है? रोड। उसके बाद के सरपट मीन्स डोंट वॉक इन मिडिल, मत चल। झटपट अचकन पहन, झटपट में फटाफट, एज सून एज अर्ली। अचकन, अचकन मीन्स लॉन्ग कोट। पहन मीन्स वेयर। नाउ नेक्स्ट, अब नल पर चल। अब मीन्स नाउ गो टू नियर टैप एंड फिल द वॉटर। अब नल पर चलकर जल भर। नल यानी कि टैप, चलकर मीन्स जाओ, गो एंड फिल द वॉटर, जल भर। भर मीन्स फिल। ये हो गया अ अक्षर से बने वाक्य। यहाँ पे दिखाया, देखिए चित्र। यहाँ पे क्या है? बच्चा मस्ती कर रहा है, फिर भी माँ उसको क्या बोल रही है? रमन घर चल, और सड़क पर सरपट मत चल, झटपट अचकन पहन, और अब नल पर चलकर जल भर। नल पर चलने के लिए बोल रही है, और यहाँ पे देखिए चलकर जल भरने के लिए कह रहे। अब यहाँ आता है पेज नंबर दूसरे ऊपर। यहाँ है कि स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइजेस। प्रश्न एक है। प्रश्न क्या है? चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ओके, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। लास्ट पेज आई टॉट टू यू एंड आई रेड दैट ऑल्सो। सो वॉट आई रेड? दिस इज रथ, दिस इज टोमैटो, टमाटो आई डिडंट रीड, दिस इज रथ, टमाटो, टमाटर, घर, और ये थर्मास। ये हो गए इसके अक्षर, मैंने आइडेंटिफाई करके दिया है। लेकिन आपको ये चित्र देखकर निकालना है अपने टेक्स्ट बुक में, और नीचे यहाँ पे आंसर लिखने हैं इसके बाद। ठीक है, प्रश्न दो के ऊपर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्या है पहला प्रश्न? हमने तो वो लेसन पढ़ा, अक्षर से बने वाक्य तो हमने पढ़े। एक बार छोड़कर मैंने दो दो पढ़ के, मैं दो 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 बार पढ़कर आपको दिखाया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? उसके प्रश्न के उत्तर को हम ढूंढेंगे। जैसे कि रमन को कहाँ चलना था? रमन को घर चलना था। रमन को कहाँ चलना था? रमन को घर चलना था। तो यहाँ जो पहले वाला है उसका जो स्क्रीनशॉट निकालिए, और उसके जो प्रश्न उत्तर है अपने टेक्स्ट बुक में लिखिए, और उसका प्रश्न उत्तर लिखकर निकालिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पर लिखवा दूंगी। ठीक है, रमन को कहाँ चलना है? अभी रमन को घर चलना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, झटपट क्या पहनना है? झटपट क्या पहनना है? व्हाट आई सेड? लॉन्ग कोट, अचकन। झटपट अचकन पहनना है, झटपट अचकन पहनना है। ठीक है,
इसके बाद नल पर चलकर क्या भरना है? नल पर चलकर जल भरना है। नल पर चलकर क्या भरना है? फिल द वॉटर। नल पर चलकर जल भरना है। अभी देखिए प्रश्न तीन, प्रश्न नंबर तीन, ठीक है। यहाँ पे गलत क्रम में लिखे गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर रखकर शब्द बनाइए। Rewrite the incorrect words in their correct form, putting the letters in the correct order as shown in the example. See here. जैसे पट घन, यहाँ पे क्या है? This is a not correct word. Yes, this is a not correct word. So what is the correct word? Is पनघट। पनघट पे पनघट, पनघट, पनघट। बनरथ, बनरथ मीन्स क्या है? मैंने सिखाया है, रिवाइज करना है सिर्फ। तो यहाँ पे मुझे तो बरतन, बर्तन, वेसल्स लग रहा है, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, दूसरा वाला जो है डकस, डकस का उल्टा जो है सीधा करके अक्षर लिखे तो क्या होता है? सड़क, सड़क मीन्स रोड, ठीक है। उसके बाद क्या है? कनम, कनम मीन्स क्या है? नमक, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट। इसके बाद क्या है? गदनर, गदनर यानी कि क्या है, या इसको हम क्या कहते हैं? गर्दन। वहां सीधा करके आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर चार पे आइए। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप खुद करने लगेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ डैश घर चल, किसको घर घर चलने के लिए कह रही है मम्मा? रमन घर चल, किसको? रमन घर चल। उसके बाद दूसरा, झटपट अचकन पहन, झटपट अचकन पहन। आई टोल्ड यू आंसर ऑलरेडी फर्स्ट ओनली। तो झटपट क्या पहनना है? अचकन पहन। नाउ थर्ड वन, सड़क पर डैश मत चल, सड़क पर सरपट मत चल, सड़क पर सरपट मत चल। उसके बाद फोर्थ वन, नल पर डैश जल भर, नल पर चलकर जल भर। क्या करना है? नल पर जाके जल भरना है। यह हो गया आज के लिए इतना ही। तो आपको ये इतना सा लग रहा है लेकिन होमवर्क बहुत सारा लगेगा आपको खुद लिखने बैठोगे तो आपको क्या करना है? पेज नंबर अ का वाक्य जो है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, प्रश्न नंबर वन, प्रश्न नंबर दो और प्रश्न नंबर तीन और प्रश्न नंबर चार को आपको अपने क्लास वर्क में रिवाइज करके क्वेश्चन आंसर्स लिख के निकालने हैं, ठीक है। आपको पुनर्स्मरण रहे इसलिए मैं आपको दोहरा रही हूँ, तो इसको आपको अपने क्लास वर्क में उतारना है। आज के लिए इतना ही, कल हम आ का अभ्यास सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।